गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी एक चीज बताती हूँ। आपने जब सेल के बारे में सुना, सेल के बारे में आपने पढ़ा कि सेल्स एक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि तीन चीजें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आप पढ़ चुके हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनल्स। अब ये बार बार वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे ही मैं न्यूक्लियस के बारे में फिनिश करूंगी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये वो यही होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यूकैरियोटिक वो सेल होती है जिन सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिन सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले और एक चीज समझ लीजिए। यहां भी मैंने यही चीज लिखी है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं ह्यूमंस की, उनके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसी तरह प्लांट्स की अगर बात करें हम, तो प्लांट्स के अंदर एक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम, सॉरी सीव ट्यूब्स, फ्लोएम टिश्यू का पार्ट होते हैं सीव ट्यूब्स। उन सीव ट्यूब्स के अंदर भी ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अभी मैंने दो एग्जांपल्स बताए यूकैरियोटिक सेल्स के जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पहला एग्जांपल है ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी, दूसरा एग्जांपल्स है जो दूसरा जो एग्जांपल है वो है प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब सेल्स, या सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उसको। न्यूक्लियस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी फाइन स्ट्रक्चर डिटेल्स पढ़नी है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। न्यूक्लियस अब होता क्या है? एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है सेल के सेंटर में, ये जनरली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंटर में प्रेजेंट ना होके थोड़ा सा पेरिफ्री की तरफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा अभी कि प्लांट सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वो वैक्यूल न्यूक्लियस को पुश कर देता है एक तरफ, पेरिफ्री की तरफ। अब उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूक्लियस जो होता है वो एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस को आप स्टडी कैसे करेंगे, कैसे आप देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करके देख सकते हैं? तो प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे तो आपको दो प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। एक में अनियन की पील, जो अनियन का जो छिलका होता है उसमें हम देखते हैं कि अनियन की एक लेयर के अंदर एक और पतली सी पील होती है, उसको हम सेफ्रानिन नाम की डाई से कलर करके हम उसके न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो ये हमने प्लांट सेल में न्यूक्लियस को देख लिया। एनिमल सेल में न्यूक्लियस देखना है तो हम जो ह्यूमन के चीक्स होते हैं, हमारे जो गाल हैं, चीक्स हैं, इनको अंदर की तरफ से थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे टूथपिक की हेल्प से, और उस चीज को हम ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे। इसमें हम जो यूज करेंगे डाई वो होगी मिथाइलिन ब्लू। तो ये दो तरीके बताए हैं कि कैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखिए चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवलप होती है जो कि न्यूक्लियस को बाहर से कवर करके रखती है। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस, और लास्ट है क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। अब इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, तो हम ये स्ट्रक्चर के, हम डायग्राम के थ्रू ये चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट पेज पे मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। ये जो कवरिंग है बाहर की, इसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। अब न्यूक्लियर एनवलप किस किस से मिलके बनी होती है वो देखिए। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट्स मिलके कंबाइंड फॉर्म में बोले जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यू नहीं है, ये बीच बीच में ब्रोकन है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है, तो इन रीजन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियोपोर्स।
न्यूक्लियोपोर्स वो रीजन है जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो ये न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, यानी यहाँ ये चारों तरफ इसके सेल है। तो सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज होगा इन पोर्स के थ्रू। यहाँ साइटोप्लाज्म है मान लीजिए, और ये साइटोप्लाज्म से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा तो वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल सेल के बाहर आना होगा तो वो इन पोर्स के थ्रू आएगा। उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जितना भी न्यूक्लियस के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड है जो मैंने डॉट 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 से दिखाया है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वॉटर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनका काम होता है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करना। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक जो डार्कली स्टेन्ड रीजन आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियोलस है। जनरली एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में हम इसको न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। अब न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, आरएनए जो होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। अब हमें पता है राइबोसोम्स भी बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के, तो न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए राइबोसोम्स की सब यूनिट्स को बनाना। चौथा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में वो है क्रोमेटिन मटेरियल। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इस तरह से उलझा हुआ धागे जैसा, इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये धागे जैसा जो नेटवर्क जो है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर आता है। लेकिन जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है थिक हो जाता है और ये अब क्रोमोजोम बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोजोम एक ही चीज है। क्रोमेटिन मटेरियल तब बोलेंगे जब वो थ्रेड जैसा नजर आ रहा है नॉन डिवाइडिंग सेल में। क्रोमोजोम हम उसको जब बोलेंगे जब एक सेल डिवाइड करती है और ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर अब थिक हो गया है। तो क्रोमेटिन मटेरियल में होता क्या है या क्रोमोजोम्स में होता क्या है, इसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होता है, प्लस इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स और डीएनए ये मिलके कंबाइंड फॉर्म में बोले जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोजोम्स। तो नेक्स्ट जो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी न्यूक्लियस को, क्योंकि यहां पे हमने एक वर्ड देखा क्रोमोजोम्स, तो क्रोमोजोम्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। क्रोमोजोम्स रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंसेशन से फॉर्म होते हैं, यानी वो जब थिक हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जब थिक हो जाता है तो उसको क्रोमोजोम बोलेंगे। और ये तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड कर रही होती है, वरना क्रोमोजोम्स विजिबल नहीं होते, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होता है। अब क्रोमोजोम्स जो होते हैं ये सेल की हेरिडिटेरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं अपने अंदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। और क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब एक क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए, एक क्रोमोजोम के अंदर दो आर्म्स होती है जो कि एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट होती हैं, दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं, एक ये क्रोमेटिड होगी एक ये क्रोमेटिड होगी, यानी दो मान लीजिए इस तरीके से क्रोमेटिड्स हैं वो मिलके एक क्रोमोजोम बनाएंगे, एक ये क्रोमेटिड एक ये क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड से मिलके एक क्रोमोजोम बनाया, यानी एक क्रोमोजोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स होती हैं और ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती हैं और इनको होल्ड करने के लिए बीच में ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो मान लीजिए एक ये क्रोमेटिड है हमारी, एक को मैं रेड कलर से दिखा रही हूं, एक जो क्रोमेटिड है वो मेरी ब्लू यानी एम्प्टी मैंने दिखाई है, एक ये रेड क्रोमेटिड दूसरी ये ट्रांसपेरेंट या व्हाइट क्रोमेटिड, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सेंट्रोमियर से। अब ये सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्रोमोजोम चार प्रकार के होते हैं। एक ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, यानी ऊपर वाली आर्म्स जिसे हम पी आर्म बोल रहे हैं और नीचे वाली आर्म जिसे क्यू आर्म बोल रहे हैं, दोनों की लेंथ अगर इक्वल है, दोनों की लेंथ तभी इक्वल होगी जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे क्रोमोजोम्स को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स। दूसरे टाइप जो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली अवे होता है सेंटर से,
तो यानी पी आर्म जो है वो क्यू आर्म से थोड़ी छोटी होगी, यानी कि एक आर्म थोड़ी छोटी है, दूसरी आर्म थोड़ी बड़ी है। ऐसे क्रोमोजोम्स को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स। तीसरा जो टाइप है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, इसमें सेंट्रोमियर और भी ज्यादा एक पोल की तरफ मूव कर गया है। और चौथा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है, यानी पी आर्म बिल्कुल खत्म होगी, ऊपर वाला जो हिस्सा था ये बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ नीचे वाली क्यू आर्म बची है। तो ये चार टाइप के क्रोमोजोम्स हो गए। तो ये न्यूक्लियस के बारे में था।